नमस्कार, अमारी विशेष रजूआत में आपनु स्वागत छे। हुं छुं समीर। देशनी आर्थिक परिस्थिति दिवसे ने दिवसे कथली रही छे। देशनो विकास दर तळिये जई रह्यो छे। शेर बजारनो हाल बेहाल छे, त्यारे शुं आ तमाम समस्याओथी चूंटणी देशने बहार लावी शके छे? विपक्षे राष्ट्रपतिने मळी स्पष्ट करी दीधुं छे कि सरकार देशना वर्तमान आर्थिक संकटने उकेलवामां निष्फळ निवडी रही छे, जेथी लोकसभानी चूंटणी वहेली योजवामां आवे। परंतु सवाल ये कि शू चूंटणी चमत्कार करी शकशे? आज मुद्दे जुए अमारी आ विशेष रजूआत चूंटणी ना भणकार। तो विपक्ष भाजप इच्छी रह्यु छे कि जल्दीथी चूंटणी आवे अने तमाम जे अर्थव्यवस्था जे पटरी परथी जे उतरी गई छे, आर्थिक संकट जे देश पर आव्यु छे, तेमां कई कई सुधाराओ छे ते व्यवस्थित चालशे। जो कि शू आ एकमात्र उकेल छे? क्या क्या एवं पड़कारों देश की समक्ष है कि जेने कारण अर्थव्यवस्था जी स्थिति सुधारी शकाय? आज मुद्दा पर चर्चा करवा माटे दिल्ली थी जोड़ाया छे श्रीकांत शर्मा, जीवो भाजपना मीडिया कन्वीनर छे, अने साथे ज अमदावाद थी जोड़ाया छे कांग्रेसना प्रवक्ता जयराजसिंह परमार। आप बने नु स्वागत छे। श्रीकांत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर बीजेपी भाजपा क्यों चाहता है कि जल्द चुनाव हो? क्या इससे इकोनॉमिक जो क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, वर्तमान में जो सोनिया जी राहुल जी की सरकार है केंद्र में, ये बेईमान भ्रष्टाचारी और दलालों की सरकार है। इस सरकार में सब कुछ बिकता है, बोली लगाने वाला चाहिए। घोटालों की लंबी सूची है, 2G का घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, कोयले का घोटाला, टाटा ट्रक का घोटाला, इटली चॉपर का घोटाला, चावल का घोटाला, चीनी का घोटाला और अनेकों घोटाले हैं। अल्टीमेटली उन घोटालों से कांग्रेस में और सरकार में आम सहमति है कि घोटाले करो, देश की जनता को लूटो, खजाने को लूटो और उसके लिए विपक्ष को दोषी ठहराओ। तो वर्तमान सरकार के रहते हुए जो देश की जो आर्थिक कुप्रबंधन इस प्रधानमंत्री जी ने किया है सोनिया जी के नेतृत्व में, उससे मुक्ति के लिए इस कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना चाहिए। और वर्तमान सरकार के रहते हुए ये तो तमाम जो मैंने आपको बताया है कि कुशासन से मुक्ति के लिए अब इस देश में कांग्रेस का सफाया होना चाहिए। नई सरकार अगर आएगी, वही कम से कम इस देश की इकोनॉमी को ट्रैक पर लाएगी। इस वर्तमान सरकार से इस देश की जनता को कोई और ज्यादा अपेक्षा नहीं है। ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, ये सरकार महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। ये सरकार जो अपेक्षाएं थी लोगों की, उन अपेक्षाओं पर सरकार खरी नहीं उतर रही है और नाचना जाने आंगन टेढ़ा। जब आप काम करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ देश को खजाने के लूटने पर है, उसके अलावा सरकार का कोई मकसद नहीं है। जैसे जैसे समस्याएं आती हैं, तब तब ये लोग इमोशनल इश्यूज पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, तब तब ये कहीं ना कहीं अपने हार का, अपने अपने कुशासन का ठीकरा कभी किसी अपने सहयोगी पर फोड़ते हैं, कभी अपने कुलीग पर फोड़ते हैं, कभी विपक्ष पर फोड़ते हैं। तो ये सरकार अब सक्षम नहीं है, अब इस सरकार को जाना चाहिए। ये सरकार जाएगी तभी इस देश में सुशासन का राज आएगा। इसका जवाब ले लेते हैं जयराज सिंह जी से। जयराज जी, इश्यू कह चुके तमाम प्रकार आरोप लगाया है कि देश में मोहंगारी है, भ्रष्टाचार थी, तेना संपूर्णपणे जवाबदार कांग्रेस है और नवू जे सरकार आवशे, नवू सत्ता पर कोई नवी सरकार आवशे अने आ तमाम बाबतोथी तेने जे देश पर जे संकट आव्युं छे तेनाथी संकट परथी छुटकारो मेळवी शकाशे। शुं कहेशो? मैं श्रीकांत जी से ये पूछना चाहता हूं, श्रीकांत जी, आप जब भ्रष्टाचार की बात करते हो तो जब एनडीए की सरकार थी तब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने 1 लाख रुपये लेते पकड़े गए थे, तो सुना है कि लोग तो कमरे में पैसा लेते हैं, आप लोग तो कैमरा के सामने भी पैसा लेते हो, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या शिष्टाचार था? आपके जुदेव जी एक हाथ में दारू की बोतल और दूसरे हाथ में पैसों का, नोटों का बंडल, और बोलते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। आपके एक सांसद बाबू कटारा जो गुजरात से ही आते हैं, वो दूसरे की बीवी को खुद की बीवी बता के पकड़े गए थे एयरपोर्ट पर, तो ये भ्रष्टाचार था या शिष्टाचार? कॉफिन का जब कंपाउंड हुआ था, आप जानते हो कारगिल के युद्ध दरमियान, तो ये भ्रष्टाचार था कि शिष्टाचार? तो आप ये कैसे कह सकते हो? एनडीए के शासन में क्या हुआ था पहले ये देखो, खुद आप शीशे के घर में रहते हो और दूसरे पे पत्थर फेंकते हो,
तो ये कैसी चीज हुई ये बताओ श्रीकांत जी। जी श्रीकांत जी पास थी जवाब मेरी समय तो ब्रेक नो ब्रेक बाद आज मुद्दा पर जवाब जाने श्रीकांत शर्मा जी नो एक ब्रेक बाद સ્થિતિ દેશની અર્થવ્યવસ્થાની છે કે જે અર્થતંત્ર જે ખરેખર ચિંતાજનક બની ગયું છે પરંતુ અહીં આરોપ લાગી રહ્યા છે ભ્રષ્ટાચાર બંને પક્ષ એક બચ્ચાની ઉપર જે કાદવ ઉછાળી રહી છે શ્રીકાંતજી ક્યાં દેંગે ઇસકા જવાબ જો આરોપ લગા રહે આપ કોંગ્રેસ પર જો લાંછન જો લગા રહે ભ્રષ્ટાચાર કે વહી આરોપ બીજેપી પર ભી લગા હુઆ હૈ। आरोप लगाने से कुछ फायदा नहीं होता है। मेरे मित्र कह रहे हैं कि वो कॉफिन गेट की बात कर रहे हैं, कफन चोर इन लोगों ने हमको कहा था, जॉर्ज फर्नांडिस का साहब का इन्होंने विरोध भी किया था, संसद में उनको बोलने नहीं देते थे। आज ये वही सरकार है जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि कॉफिन चोर वाला जो कफन चोर इन्होंने कहा था इसमें इनको कुछ नहीं मिला, इन्होंने उसमें माफी मांगी है कि हमने अनावश्यक रूप से सदन का भी समय खराब किया और एक झूठा आरोप हमने एनडीए की सरकार पर लगाया था। वाजपेयी जी की सरकार थी, ट्रांसपेरेंट सरकार थी, कोई एक आरोप हम पर नहीं लगा, हमने ईमानदारी से सरकार चलाई और कांग्रेस के लोगों को सुशासन का पाठ पढ़ाया। तो हमारे टाइम पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की 18 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बनती थी, हमारे टाइम पे 6% के हिसाब से नौजवान को गरीब को मध्यम वर्गीय लोगों को लोन मिलता था, हमारे समय में एलपीजी गैस की कैमरे में नहीं पकड़े गए थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू जी नहीं बिकती थी, हमारे समय में 50 रुपए के लिए आपका क्या कहना है पहले ये तो बताओ। श्रीकांत जी कैमरे के सामने नहीं पकड़े गए थे क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? जुदेव जी को नहीं पकड़े गए थे कैमरे के सामने? सत्र के तहत आप लोगों ने फिक्सिंग करके आपके सांसद जेल में नहीं है क्या? कटारा जी जेल में नहीं है क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप लोगों ने षड्यंत्र के तहत 1,00,000 रुपए दे के फर्जी कोई मूल मुद्दे पर आते हैं। आपने मूल मुद्दा पर आपके सांसद पकड़े गए थे कैश फॉर क्वेरी में। जी 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 संसद में प्रश्न पूछने जी और शिकायत जी आपसे दोनों को गुजारिश करूंगा, दोनों से गुजारिश करूंगा कि जो हमारा मुद्दा है उससे हम भटक न जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है शिकायत जी, अगर आप सुन पाते हैं तो क्या चुनाव करने से क्या कांग्रेस की जो आर्थिक नीति है क्या उससे अलग है कुछ आर्थिक नीति? क्या देश का जो पूरा जो ढांचा है जो तंत्र है क्या वो पटरी पर आ जाएगा? देखिए 2009 में जब ये लोग सत्ता में आए थे तब इन्होंने आश्वस्त किया था कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, हम 100 दिन के अंदर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, हम 100 दिन के अंदर काले धन को वापस लाएंगे। माननीय राहुल जी ने कहा था कि हम 2008 में उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस देश के प्रत्येक गांव को 18 घंटे बिजली मिलेगी। ये चारों मुद्दों पर पूरी तरह से ये लोग विफल हुए और आज जो देश में आर्थिक प्रबंधन का जो आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर माहौल देख रहे हैं, रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, अब कौन सी लॉबी सरकार पे डोमिनेट कर रही है, खुद पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि जो आयात लॉबी है उससे मुझे डर लगता है, मुझे धमकाते हैं, प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि कोयले की जो फाइलें गायब हुई हैं उनको ठीक रखने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो भाई आप सरकार से हट जाओ, जब आप जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो आपको सरकार से जाना चाहिए। और आज बड़े दुख के साथ प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि मुझे लोग चोर कहते हैं। अरे भाई ठीक है, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, आप इस सरकार के सीईओ हो क्योंकि इसका अल्टीमेटली चलाने वाले तो सोनिया जी राहुल जी हैं। और प्रधानमंत्री जब ईरान से आए थे तब उन्होंने कहा था कि कोल ब्लॉक आवंटन का आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है, जबकि मैंने सोनिया जी के राजनीतिक सलाहकार के कहने पर कोल ब्लॉकों का आवंटन किया। तो आज उनका दर्द सामने आया है, उनका दर्द छलक कर आया है। हम तो प्रधानमंत्री से यही अपेक्षा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि अल्टीमेटली चोर कौन है, क्योंकि देश के खजाने को तो लूटा गया है, बड़ी लूट हुई है और लूट किसने हुई है ये सरकार तय करे, कांग्रेस तय करे, लेकिन देश के खजाने की लूट। जी सवाल स्थिर हो चुके जो प्रधानमंत्री पुत्र कही रहा चुके कोई संसद के अंदर कोई सांसद क्या प्रकार की टिप्पणी करता रहती कि तबना देश तो बड़ा प्रधान चोर छे तो पची चोर छे कौन कोने लूट मचावी छे आप भारतीय जनता पार्टी ने बगाड़वा माटे आप भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति छे जयरे विपक्ष में हो तेरे आज बात करी थी जयरे एनडीए नु शासन हतु त्यारे आज भारतीय जनता पार्टी ये खूब लोगों ने स्वप्न देखाया था के फील गुड इंडिया शाइनिंग ने अरे मोटा मोटा बल्ब बताया बता बुझाई गया था। 2004 में प्रजाए एक वक्त आपेली सत्ता पाछी छीनवी लीधी थी, एनु एकमात्र कारण खूब निष्फळ गया था
એ દેશની સલામતીના કારણોમાં નિષ્ફળ ગયા હતા. તમે જો આજે હમણાં જે તાજેતરની ઘટના બની છે કે જેને 200 લોકોને મારવાવાળો યાસીન ભટકલ, જે ખૂબ મોટી સિદ્ધિ ગણાય, અને એટલા માટે કાં તો અબુ સાલેમથી ચાલુ કરીને અબુ સાલેમને અમે પકડી લાવ્યા હતા. અમે તમે જુઓ કસાબને પણ જીવતો પકડ્યો છે, અફઝલ ગુરુની ફાંસી આપી છે, પણ આ આતંકવાદીને પકડવાથી આતંકવાદીને પકડવાથી અર્થવ્યવસ્થા થોડી સુધરી જવાની છે. એમની એ જ વાત કરું છું કે એ આવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીને એનડીએનું શાસન એ બતાવે, એ કરવાના છે. અર્થવ્યવસ્થાની જે વાત કરી, તમે જાણો છો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી જયારે વડાપ્રધાન હતા અને અન્યની તંગી થઈ હતી, સ્કેર સિટી હતી અન્યની, ત્યારે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ પણ જેમના નામે ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ દુકાન ચલાવવા કોશિશ કરે છે, ખરેખર તો કોંગ્રેસના વડાપ્રધાન હતા, અને એમને એવું કહ્યું હતું કે આ દેશની ભારતની જનતા સાંજનું એક એક ટંક એટલે વાળું એક ટંક ભોજન નહીં કરે, એમને અપીલ કરી હતી, જેના કારણે બચાવ થશે. મનમોહનસિંહજી છે તો પછી આર્થિક જે નીતિઓના જે પગલા ભરી રહ્યા છે, તેમ છતાં પણ શા માટે કોઈ એવા સામે રિઝલ્ટ દેખાતું નથી? મનમોહનસિંહજી એ જ વાત કરી છે કે તમે સોનું ઓછું ખરીદો, એટલા માટે તમને વાત કરું, જેમ એક ટંક તમારે જમવાનું નહીં તો અનાજ બચશે, એવી રીતે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ઉપયોગ કરો. આ દેશમાં મેક્સિમમ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો જેટલો તમે ઉપયોગ કરશો એટલું પેટ્રોલ બચવાનું છે, તો જેટલી પેટ્રોલ પેદાશ આપણે ઓછી આયાત કરવી પડશે એટલું આપણું ઊંડિયામણ બચવાનું જ છે. એમને નિકાસની પણ વાત કરી છે કે જેટલું નિકાસ છે નિકાસ વધારો. અને આ દેશમાં એટલું યાદ રાખો કે કોઈ પણ તંત્ર જયારે સત્તા પર હોય ત્યારે જન સમર્થન વગર ક્યારેય શક્ય નથી, એટલા માટે કે આ 1-to-many સબ્જેક્ટ નથી, આ 1-to-1 છે. તમે કેવી રીતે પેટ્રોલ વાપરો છો, કેવી રીતે ડીઝલ વાપરો છો, એટલે તમે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ઉપયોગ કરો, સોનું હોય તો તમે સોનું ઓછું ખરીદો. ખોટું શું કહ્યું છે? સવાલ એ છે કે દેશની જનતા પણ જાણે છે કે જે દેશના જે નેતાઓ છે, તમને કાફિલાની અંદર જે ગાડીઓની જે સંખ્યા જે હોય છે, શું એ નેતાઓ પોતે આ કાફિલાને ઓછું કરી શકશે ખરા? નેતાઓ પાસે જે અટલે સોનું રહેલું છે, તેઓ શું એ સોનું ખરીદવાનું બંધ કરી શકશે ખરા? આ સવાલ જરૂરી થશે, આ ચર્ચા કરીશું એક બ્રેક બાદ. તો મનમોહનસિંહ ખુદ પોતે ચિંતિત છે કે દેશની જે આર્થિક હાલત છે તે કથળી રહી છે, અને તેને કારણે અનેક બાબતોથી દેશને જે સહન કરવાનો ભાર આવે. શ્રીકાંતજી, જૈસે કે મનમોહનસિંહને બતાયા કે દેશ મુશ્કિલ દૌર સે ગુજર રહા હૈ, યે બાત ઉન્હોંને માની હૈ, इसके कई कारण और इसमें से एक घरेलू कारण भी है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में संकट है और हम भी उसके प्रभावित हुए हैं. क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि घरेलू कारण है. आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के पद के ऊपर एक सुपर प्राइम मिनिस्टर का पद कांग्रेस के लोगों ने क्रिएट किया है. राष्ट्रीय सलाहकार समिति की अध्यक्ष बनाया गया सोनिया गांधी जी को. कैबिनेट के ऊपर एक सुपर कैबिनेट है. प्रधानमंत्री जी अपनी कैबिनेट में निर्णय करते हैं और उसके बाद सोनिया जी का अप्रूवल लेना पड़ता है. जहां तक हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारी आदत है आरोप लगाने की, 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ की इन्होंने लूट की. सुप्रीम कोर्ट ने 120 लाइसेंसों को रद्द किया. ये मैंने और मीडिया के लोगों का आरोप नहीं है. कॉमनवेल्थ गेम में CBI जांच कर रही है. यहां की शीला दीक्षित तो उस कटघरे में खड़ी हुई है. कोल ब्लॉक आवंटन में प्रधानमंत्री जी सीधे आरोपी हैं, उन्हीं के अंदर CBI है. मतलब देश में पहली बार ऐसा हो रहा है. श्रीकांत जी, आपको लगता है कि मनमोहन सिंह जी जो है CBI प्रधानमंत्री जो है वो सक्षम है कड़े कदम उठाने के लिए, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए, क्या आपका इशारा यही है? एक तो इनको आप ये कहिए कि बीच में बोलने की आदत अपनी थोड़ा समाप्त करें, जब कोई दूसरा बोलता है तो थोड़ा अपनी बारी का इंतजार करिए. तीसरी बात, ये जो आरोप, आवाज नहीं आ रही है. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है. हाँ, अपना सवाल दोहराइए जी. आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री वो सक्षम है कड़े कदम उठाने के लिए, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को बांध के रखा हुआ है. आपस में वित्त मंत्री आरोप लगा रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री पर, प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर. तो ये आपस का जो कांग्रेस का जो लड़ाई झगड़ा है, कांग्रेस का आपस में जो अविश्वास है, उसकी वजह से आज देश में कुप्रबंधन है. क्योंकि कोई लीडरशिप नहीं है, नेतृत्वहीन सरकार चल रही है. दो दिग्विजय सिंह ने ठीक कहा था कि दो पावर सेंटर हैं इसके, और इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है.
इस सरकार ने 2009 में वायदा किया था देश की जनता से कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुई। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। ये वादा खिलाफी की है, देश की जनता के साथ इन लोगों ने धोखा किया है, इसीलिए सरकार सक्षम नहीं है। वर्तमान सरकार के रहते इस देश की स्थिति ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस एक दीमक की तरह है, कांग्रेस एक भ्रष्टाचार खत्म करी। जब तक आप इस बीमारी को समाप्त नहीं करेंगे, तो देश की समस्या चूंटणी योजावी जी, एक नवी सरकार आवी जी। चूंटणी યોજાય એનાથી આ દેશની અર્થવ્યવસ્થા જે છે એના પર તો ફરક પડવાનો નથી, પણ મારા જે મિત્ર ત્યારે સ્ટુડિયોમાંથી દિલ્હીથી જે વાત કરી રહ્યા છે, તો એમને હમણાં જ રાજ્યસભાની અંદર જેટલીજી સુન રહે હો શ્રીકાંતજી, મેં વાત કરો, મેરી બાત સુનિયે, ગૌર સે મેરી બાત સુનના, આપકે રાજ્યસભા કે નેતા જો જેટલીજી જો બોલ રહે થે અભી રાજ્યસભા મેં, જેટલીજી જો બાત બતા રહે થે, तो आप लोग तो हर्षद मेहता और केतन पारेख को समर्थन करने वाले लोग हो। यहाँ की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव बैंक जो माधुपुरा बैंक थी, इसके वकील रहे, उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं आपके जेटली जी। आप जानते हो क्या, जिन लोगों ने 5,000 करोड़ का सबसे पहले आप भ्रष्टाचार और कौभांड की बात कर रहे हो, क्यों आपके पैरों तले पानी आया तो क्यों चिल्लाते हो? हमारी बात तो सुननी पड़ेगी। आपके राज्यसभा के नेता जेटली जी को पहले यह पूछिए कि आप किसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, ये वकालत कर रहे हैं माधुपुरा बैंक के फ्रॉडर की, केतन पारेख, हर्षद मेहता आप लोग हर्षद मेहता के समर्थन वाले लोग हो, केतन पारेख को समर्थन कर रहे हैं आपके जेटली जी। आज चर्चा हो रही है 9 साल के कुशासन की, यही बात कर रहा हूं मैं, पहले आप भी थे, जवाब देने से भागिए मत, कभी भी आप भी सत्ता में थे, ये भी सोचा करो, हमारे समय पे कोई घोटाला नहीं हुआ, आपको जेटली जी ने पहले पूछना चाहिए, 1,000 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ, आपके विपक्ष के नेता जो है चर्चा अपना पूर्ण करीशू, परंतु जो आरबीआई ना जो गवर्नर जे डी सुब्बाराव तमने पर कहू थू के जे देश की अंदर जे सतत करंट एकाउंट डेफिसिट जे छे ते वत्तु जई रह्यो छे अने तेना पर नियंत्रण सरकार लावी शकी नथी, ते खुद आरबीआई ना गवर्नर नुं कहेवुं छे, अने एटले ज जरूर छे एवा कड़क एवा पगला ने के जेथी देश नी आर्थिक संकट जे छे ते तेना पर जो काबू मिल सकते। तो श्रीकांत जी आपनो अने जयराज सिंह जी आप तो खूब खूब आभार आ चर्चा में जोड़ा बदल, तो अमारी आज खास रजूआत में अत्यार बस आटलू ज, बधु समाचार माटे आप जोता रहो टीवी 9।